वाराणसी से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट, 1 लाख का इनामी नीलेश सिंह उर्फ पीके गिरफ्तार। नीट साल्वर गैंग का सरगना है पीके। वाराणसी पुलिस ने गुरुवार की शाम अंतर्राज्यीय नीट साल्वर गैंग के सरगना नीलेश सिंह उर्फ पीके को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने बताया कि पीके के एक साथी रितेश को भी गिरफ्तार किया गया है। नीट के लिए सारनाथ के समीप एक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर गत 12 सितंबर को बीएचयू में बीडीएस की छात्रा जूली की गिरफ्तारी के बाद इस साल भर गिरोह का पता चला था। गुरुवार को ही पुलिस ने पीके पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। नीलेश उर्फ पीके पुत्र कमल वंश नारायण सिंह निवासी टेलीफोन एक्सचेंज रोड पाटलिपुत्र पटना बिहार मूल रूप से ग्राम सिंधुआर एकमा सारण छपरा का निवासी है। इसके पिता उद्योग विभाग से सन 1990 में रिटायर हुए और पटना में बस गया। नीलेश उर्फ पीके काम रेस्पॉन्डेंस कोर्स के जरिए स्नातक की परीक्षा को पटना विश्वविद्यालय से पास किया है, किंतु आसपास वह सभी जगह के लोगों को अपने आप को डॉक्टर बताता है। घर से डॉक्टर के भेष में ही निकलता है, जिससे कि लोग इन पर विश्वास कर सके कि यह पेशे से डॉक्टर है। नीलेश और इसका गैंग लगभग 5 से 6 सालों से नीट की परीक्षा में साल्वरों को बैठाकर परीक्षा दिला रहे हैं। नीट की परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की शिक्षक परीक्षा में वह उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ बिहार पुलिस व अन्य सेवाओं में यह अपने बहनोई रितेश उर्फ सोनू, जो कि बिहार सचिवालय में कार्य करता है, के साथ मिलकर इन सभी परीक्षाओं में पेपर आउट कराकर या साल्वर की व्यवस्था कराकर परीक्षा में पास कराते हैं। अंतर्राज्यीय गैंग जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा संचालित किए जाने वाले मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे नीट एग्जाम के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित एक मुकदमा कमिश्नरेट वाराणसी के थाना सारनाथ पे सितंबर के महीने में पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना में ये स्पष्ट हुआ कि इस गैंग का संचालन पटना के नीलेश सिंह उर्फ पीके के द्वारा किया जा रहा है। उसका जो नेटवर्क था वो पूर्वोत्तर के राज्यों में, जैसे कि त्रिपुरा, बिहार, दक्षिण भारतीय राज्य बेंगलोर और उत्तर प्रदेश के भी कई महत्वपूर्ण शहरों में फैला हुआ था, जिसके ऊपर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। गिरफ्तारी के उपरांत कल न्यायालय में इसे प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी और सस्टेन्ड इंटरोगेशन करने के बाद इस गैंग से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जब पुलिस को मिलेगी तो उस आधार पर विवेचना को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहां ये भी मुझे बताना है कि इस गैंग के एक और सक्रिय सदस्य, जिसका नाम रितेश है, जो नीलेश का रिश्तेदार भी है, उसकी भी गिरफ्तारी आज वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा की गई है। ये दोनों गिरफ्तारियां इस गैंग के कमर को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण एक शुरुआत हुई है और आगे निरंतर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा ऐसे तत्वों को, जो कि बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उस पर अंकुश लगाने का काम होगा।